मैंने कहा अब जाके आपको पता चला फोटोशॉप आ चुका है, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेज रहे होते हो कि द्वारका में एक बादल दिखा है इन द शेप ऑफ विराट कोहली प्लेइंग अ कवर ड्राइव, तब नहीं आपको पता था फोटोशॉप आ चुका है। भाई हिंदुस्तान में घर वाले पहले पीछे पड़े रहते, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर ली तो फिर बच्चे के पीछे पड़े रहते, बच्चा कर लो बच्चा कर लो। यहाँ फेरे खत्म नहीं होते कि घर वाले आ जाते एक लल्ला दे दो हमका। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, दो मेरे पेरेंट्स काफी चलते, मेरी शादी को बहुत टाइम हो रखा है। आई रिमेंबर टिल 2015 तक तो माय डैड यूज्ड टू बी लाइक तूने बच्चा कर दिया ना मुक्का मार देंगे तेरे, क्योंकि तब तक मेरी शादी नहीं हो रखी थी। तो आई गॉट मैरिड इन 2016 एंड इवन देन माई पेरेंट्स वर चिल, दे वर लाइक घूमो फिरो जियो अपनी जिंदगी। मैं कहा नहीं नहीं पापा थोड़े पैसे तो म्यूचुअल फंड में डाल लेते हैं। ही लाइक तू कमा नहीं रहा तो घूम ले पहले जाके, ठीक है। देन 2017 माई एल्डर सिस्टर हैड अ बेबी, शी हैड अ बेबी, और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए कि तुम भी बच्चा करो। और यही मेरी लाइफ की कहानी रही है यार, जो मेरी बड़ी बहन करती है वो मुझे करना पड़ता है। उसने इंजीनियरिंग करी, मैंने इंजीनियरिंग करी, उसने MBA करी, मैंने MBA करी, अब उसने बच्चा पैदा किया, मैं बच्चा पैदा करूं। मेरी लाइफ का शर्मा जी का बेटा मेरी ही बहन है। मैं बचपन मजाक नहीं कर रहा, बचपन से हाथ जोड़ के जाता था तू पढ़ना बंद करेगी। शी वाज लाइक अंगद कल मेरा एग्जाम है। मैं कहा तेरा क्लास टेस्ट है यार 20 नंबर का, मेरा बोर्ड एग्जाम है कल यार, आजा टीवी देखते हैं साथ में। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे कभी कभी लगता है मेरे पेरेंट्स को एक ही बच्चा करना था, बट मेरी बहन इतनी पढ़ाकू निकली, इतनी पढ़ाकू निकली कि देवर लाइक घर का काम कौन करेगा तो उन्होंने मुझे पैदा किया। मैंने सारी जिंदगी वो ही करा है कि अंगा जा दुकान से ब्रेड अंडा ले आ, रिश्तेदार आ रहे हैं समोसे कचौड़ियां ले आ, संडे सुबह माँ उठा देती थी उठ पापा को नाश्ता करना है ब्रेड अंडा लेकर आ जा। मैं कहा बहन को भेज दो, कह रहे वो पढ़ाई कर रही है। मैं कहा सो रही है मेरे बाजू में, कह रहे वो सपने में इक्वेशन सॉल्व कर रही है। ये बच्चे करने वाली कॉन्वर्सेशन मम्मियाँ ही आती है, मम्मियों का डिपार्टमेंट दिया गया है कि शादी कर लो जल्दी बच्चा कर लो। मेरी मम्मी मेरे पास आई कि अंगद बेटा आई थिंक इट्स टाइम टू प्लान। तो मैंने पूछा प्लान फॉर व्हाट, शी वाज लाइक बेबीज। मैंने कहा पहले ये तो बताओ बेबीज बनते कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। फिर वो गई मेरी वाइफ के पास, बट डायरेक्टली नहीं, मेरे से कॉन्वर्सेशन के डायरेक्टली बाद मेरी वाइफ के पास नहीं गई, शी वेटेड टिल द डे माई वाइफ टर्न 30। 30 होते ही ना ही औरतों को माओ का कॉल चला जाता है कि बेटा वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बेटा, उसकी जो बैटरी है वो कमजोर हो रही है बेटा। मेरी दीदी आ गई उनकी बातों में, मुझे आगे कह रही यार तेरी मॉम कह रही थी वी शुड स्टार्ट प्लानिंग। तो उसने जैसे ये बात बोला मैं तो हंसना शुरू हो गया, बिकॉज बच्चा और मैं लॉल, मैं नॉन लिविंग चीजों का ख्याल नहीं कर पाता, लिविंग चीज का कैसे ख्याल रखूंगा। आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे आपकी रूह काम जाएगी, 10 की 10 उंगलियों के निशान है उस पर, 4 तो पैर की उंगलियों के भी होंगे। और मैं हंस रहा था, मुझे लगा मेरी बीवी भी हंस रही होगी। मैंने उसकी तरफ देखा वो हंस ही नहीं रही, तो मैंने उसको कोनी मारी, मैं कहा साली तू क्यों नहीं हंस रही। शी इज लाइक अंगद आई थिंक वी आर रेडी। मैंने कहा हम कब हुए रेडी, हम घंटा रेडी यार, हम दोनों इतने आलसी हैं। उससे एक साल पहले हम 4 पौधे लाए थे अपने घर पे कि इनको पाल पोस के बड़ा करेंगे, 2 हफ्ते में चारों के चारों चले गए, वो भी ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। उनका इतना बुरा हाल हुआ कि पड़ोसी की भी 2 चाल बसे कि हाय हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हम ये नहीं देख सकते। तो मैंने उसको बोला हम कहाँ से रेडी, हम 4 पौधे नहीं पाल पाए, बच्चा कैसे पालेंगे। उसका रिप्लाई पता क्या था कि अंगद मुझे पता था कभी ना कभी माँ बनना, इसलिए मैं उससे पहले आराम कर रही थी। आई एम लाइक तेरे आलस के पीछे ढोंग था, मैं आलसी हूँ, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। मैंने आधी शादी इस चक्कर में करी कि हम दोनों आलस कंपैटिबल है, संडे दोपहर को एक सोफे में मैं सोऊंगा, दूसरे सोफे में तू सोएगी, भाड़ में जाए घर की डस्टिंग ऑन कर रहा। शी इज लाइक अंगद बच्चा करना तो लाइफ का पर्पस होता है, हमने एक बारी बच्चा कर लिया तो हमारी लाइफ कंप्लीट। मैं कंप्लीट कैसे, फिर बच्चा पालना भी तो है बैठ के, ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक दिन हैग्रिड आएगा वो हमारे बच्चे को ले जाएगा, फिर 10 महीने उसे डंबलडोर पाल रहा है, 2 महीने हम पाल रहे हैं, वो थोड़ी ना जाके कर रहा होगा लेवियोसा लेवियोसा हमको ही पालो सा। She had no counter to my brilliant argument, so she did the next best thing.
उससे जाके मेरे पेरेंट्स को शिकायत लगा दी कि मैं तो तैयार हूँ अपनी औलाद को समझा लो, एंड माई पेरेंट्स नो मैं कैसा हूँ, मम्मी ने तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रखा है. सो दे वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक माई केस. और वो अपॉर्चुनिटी कैसी आई, मुंबई वाले घर में पापा मम्मी थे, पापा मम्मी और मैं. बंदा आया, उसने बोला अंगद सर जो आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया, माँ के हाथ से चाय का कप गिर गया. पापा टीवी पे क्रिकेट देख रहे थे, बंद कर दी, क्योंकि इस बंदे ने बोला आपके बेटे का चेक बाउंस हुआ, इनको सुनाई दिया आपका बच्चा हार्ड कोर क्रिमिनल है. दाऊद इब्राहिम पे भी 600 FIR है, आज तक एक भी चेक बाउंस की नहीं हुई है. इतने इमोशनल हो गए, कह रहे बेटा पैसे नहीं थे तो हमें बताए थे. मैं कहा मेरे पास हैं पैसे यार, मान ही नहीं रहे. मैं कहा चेक पे सिग्नेचर मैच नहीं हुआ था, हैं पैसे, मैंने फोन पे अकाउंट लॉगिन करके दिखाया. मैं कहा देखो इतने पैसे, कह रहे फोन पे मत दिखा मैं ये सब, हम जानते हैं फोटोशॉप आ चुका है. मैंने कहा अब जाके आपको पता चला फोटोशॉप आ चुका है, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेज रहे होते हो कि द्वारका में एक बादल दिखा है इन द शेप ऑफ विराट कोहली प्लेइंग अ कवर ड्राइव, तब नहीं आपको पता था फोटोशॉप आ चुका है. बट घर वाले मानने को तैयार नहीं. मैंने 3 साल के IT रिटर्न्स दिखाए, अटेस्टेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर. तब पापा ने बोला ओके यू हैव मनी. बट मनी देख लिया तो अगला सवाल आ गया, तेरा कॉमेडी करियर चल कैसे रहा है. मैंने कहा ठीक ठाक. इज लाइक आर यू वन ऑफ द बेस्ट, आई वाज नॉट इवन क्लोज. इज लाइक तेरे हिसाब से कौन से 15 कॉमेडियन तुझसे बेटर कर रहे हैं उनका नाम लिख. मेरे पापा को लिस्ट बनाने का बड़ा शौक है, तो मैंने 15 कॉमेडियंस के नाम लिखे. माय डैड वाज लाइक बेटा इनमें से जो जो सिंगल है ना उनके नाम काट दे, तो मैं सिंगल कॉमेडियंस के नाम काटने लगा. मैं कहा पापा जिसका तलाक हुआ, कह रहे उनको लिस्ट से ही बाहर निकाल दे, उनको कॉमेडी करना अलाउड नहीं होना चाहिए. ऐसे 12 नाम कट गए. माय डैड बोले बेटा देख कॉमेडी वाइज हो सकता है 15 तेरे से आगे हो, बट लाइफ में जिंदगी में क्योंकि तूने शादी कर ली है ना तो तू ये 12 सिंगल कॉमेडियन से आगे निकल गया है. अब तूने बच्चा कर लिया ना तो तू इनको पीछे ही छोड़ देगा. And I'm like, ये कौन सिखा गया आपको सब कुछ? ऐसे तो नहीं रस्ते में मुझे कॉमेडियन मिले, मैं पूछू और तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो बोले मेरा तो नेटफ्लिक्स पे 14 स्पेशल आ रहा है, तू क्या कर रहा है. मैं कहा मैंने 5 बच्चे कर लिए स्पेशल तो मैं. ये तरीका ढूंढा है मेरे पेरेंट्स ने टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर लेते. तो मैं भी सीधा फ्रंट फुट पे उतर गया. मैं कहा बच्चा पैदा करने की जरूरत क्या आजकल के टाइम पे, अब अंडा और ब्रेड भी 10 मिनट पे जेप्टो से घर आ जाता है. माँ के हाथ से एक और चाय का कप गिर गया. मैंने कहा आपने बनाई कब दूसरी यार, माना मेरे पास पैसे बट कप पे कप थोड़ी ना तोड़ोगे, आप पेपर कप में चाय पियो आपसे. मेरे पेरेंट्स के चेहरे से रंग निकलने लगा. मैं कहा एक मिनट रंग वापस लाओ, आई विल पुट द बॉल इन योर कोर्ट. आई विल लाइक डू यू गाइस थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ टू रेज अ चाइल्ड. They're like, absolutely. मैं कहा ये हो कैसे रहा यार, मेरा सोशल प्रमोशन हो जा रहा है मुझे पता ही नहीं इन बातों का. मैंने कहा घंटा मुझे रिस्पॉन्सिबल समझते, मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपने रखे हुए. डैड वाज लाइक ले तू ओरिजिनल वापस. मैं कहा ना ना ना, अगर आप मुझे रिस्पॉन्सिबल समझते हो तो आप अपने ओरिजिनल्स भी मेरे को दो. पापा ने मम्मी की तरह देखा कि ये लौंडा तो सही खेल गया, अब हम क्या करें. बट दे रियली वॉन्टेड मी टू हैव अ चाइल्ड बिकॉज उन्होंने मुझे दे दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और मुझे पता है सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, कोई सारे डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड थे. वो डॉक्यूमेंट जिस फोल्डर में था वो फोल्डर भी लैमिनेटेड था, वो फोल्डर जिस ड्रॉर में था वो ड्रॉर भी लैमिनेटेड है, हमारा पूरा घर ही लैमिनेटेड. तो मैंने अपने पेरेंट्स को सच्चाई बता दी. मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव किड्स, आई लव किड्स बट आई जस्ट फील लाइक आई एम नॉट रेडी टू हैव अ किड. लाइक मेरी नीस है, मैंने कहा आई लव हर, बट वो जैसे ही रोती है आई एम लाइक बहन आई थिंक दिस इज योर, प्लीज टू टेक एंड रिटर्न बैक इन स्माइलिंग कंडीशन, वी डोंट लाइक दिस क्राइंग कंडीशन, यू कीप. तो मैंने बोला हम जब रेडी होंगे हम बच्चा कर लेंगे. रेडी होने में 2 साल 3 साल 23 साल कुछ भी लग सकता है. मैंने बोला 2-3 साल में रेडी होंगे. माय डैड्स इमीडिएट रिएक्शन, 2-3 साल में बच्चा करना है तो आज से शुरू हो जाओ. होते होते बच्चा होएगा. मैं कहा पहली बारी में हो गया तो? ही इज लाइक पहली बारी में जैसे MBA क्रैक नहीं हुआ था ये कैसे हो जाएगा. हाउ आर दे द सेम थिंग. और ये बोल के मेरे पापा मम्मी घर से चले गए. जिस तरह आई हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, घर पे बीवी थी भी नहीं मैंने. बट मेरे साथ लाइफ में ना हमेशा वही हुआ है कि मतलब
अगर मैं एक फेज ऑफ लाइफ में हूँ, मैं दूसरे फेज पर जाना चाहता हूँ, तो मैं दूसरे उन लोगों को देखता हूँ, मैं थोड़ा सा जलस होता हूँ. लाइक जब मैं सिंगल था, मैं कमिटेड होना चाहता था, तो कपल को देखता था लवी डवी, थोड़ा तिरछी नजर से उनको देखता था. ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, सिंगल होना चाहता हूँ, तो मैं लॉन्डो को भी तिरछी नजर से देखता था. वो होना है मुझे. फिर ऐसे मैं जाकर बच्चों को देखने लग गया था. फिर दो तीन रेस्टोरेंट से मुझे बाहर फेंका गया कि सारा फैमिली इसको अनकंफर्टेबल कर रहे हो. मैंने कहा अच्छा चलो अपना ही बना लेते हैं. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. माय नेम इज अंजन सिंह राय. And that was the end of the video. Thank you so much for watching the video. If you enjoyed the video, then please channel ko subscribe karna. मेरे चैनल पे अभी 99% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. एंड जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, उतना मोटिवेशन हमें मिलता है टू पुट आउट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस. मैं अगले 2-3 महीने में और वीडियोस डालूंगा. एंड डू लाइक द वीडियो. आप लाइक करते हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम में वो वीडियो पिकअप हो जाता है, एंड देन वो और लोगों को दिखाता है कि देखिए यार इन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, शायद आपको भी पसंद आ जाए. एंड वीडियो को शेयर करिए टू योर फ्रेंड्स जो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे हैं, कजन, दुश्मन, हूएवर. मुझे बस सब्सक्राइबर्स चाहिए, मैं कहीं से भी ले लूंगा. एंड लास्टली वीडियो पे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना, क्योंकि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो ये सारे कॉमेंट्स पढ़ेगी. क्यों मैं आप क्यों गुस्सा हो? अरे हैग्रिड आएगा तो आपको दे थोड़ी ना देगी, वो तो जोक्स है बेटा, जोक्स, चुटकुले. लाफ करके दिखाओ.